मणिपुर के मुद्दे पर लोकसभा में भारी हंगामा, कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष की नारेबाजी, सदन सोमवार तक के लिए स्थगित। सदन में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह का बयान, बोले हम मणिपुर पर चर्चा के लिए तैयार, कुछ दल सदन चलने देना नहीं चाहते। संसद की कार्यवाही को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, विपक्ष चर्चा करना नहीं चाहता, वे बिना मुद्दे की बात करते हैं। हंगामे पर बोले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, नारेबाजी से समस्या नहीं सुलझेगी, चर्चा से ही समाधान निकलेगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का विपक्ष पर निशाना, सदन में चर्चा से भाग रहा विपक्ष, हम संवेदनशील मुद्दों पर चाहते हैं चर्चा। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का बयान, मणिपुर का मामला बेहद संवेदनशील, इस पर नहीं होनी चाहिए राजनीति। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी का बयान, मणिपुर में जो 78 दिन से हो रहा है उसका जिम्मेदार कौन, पीएम सदन में दे जवाब। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी का मणिपुर के सीएम से सवाल, ऐसी 100 घटनाएं हुई हैं, ऐसा स्वीकार करने के बाद भी कुर्सी पर कैसे बैठे। मणिपुर कांड पर प्रियंका चतुर्वेदी का सवाल, 18 मई से अब तक क्यों नहीं की कार्रवाई, वीडियो वायरल होने पर लिया एक्शन। मणिपुर कांड पर बोले संजय राउत, यूरोपीय संसद और इंटरनेशनल फोरम में हो चुकी है चर्चा, भारतीय संसद में क्यों नहीं हो रही बात। मणिपुर कांड पर बोली बीजेपी सांसद हेमा मालिनी, ये बहुत ही घिनौनी घटना, महिलाओं के साथ नहीं होना चाहिए ऐसा। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी का बयान, सदन के अंदर विपक्ष को बोलने का मौका नहीं देना चाहते प्रधानमंत्री, इसलिए बाहर दे दिया बयान। मणिपुर कांड पर मायावती का ट्वीट, लिखा घटना पर राजनीति होना गलत, दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर गंभीर होना जरूरी। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण का बयान, मणिपुर का मामला संवेदनशील, अपराधियों पर कड़ा एक्शन लेगी सरकार, कहा। इस्तीफे की मांग पर बोले मणिपुर के सीएम बीरेन सिंह, मेरा काम राज्य में शांति लाना, हर समाज में है बदमाश लेकिन हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। मणिपुर गैंगरेप और हत्याकांड पर एक्शन, अभी तक 4 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। मणिपुर की गवर्नर अनुसुईया उइके ने डीजीपी को किया तलब, पूरे मामले और जांच में प्रगति की जानकारी। गवर्नर अनुसुईया उइके मामले को विभत्स बताते हुए निंदा की, डीजीपी को पीड़ितों को सुरक्षा मुहैया करवाने के दिए निर्देश। मणिपुर कांड को लेकर बोली इरोम शर्मिला, वीडियो देखकर हुई शर्मिंदगी, को इतना अमानवीय कैसे हो सकता है। इरोम शर्मिला ने मणिपुर के हालात के लिए राज्य सरकार और चीफ जस्टिस को बताया जिम्मेदार, कहा दोनों को मांगनी चाहिए माफी।